और संस्कृति की राजधानी विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी खजुराहो में 47वें खजुराहो नृत्य समारोह का संस्कृति मंत्री श्रीमती विजया लक्ष्मी साधो एवं प्रभारी मंत्री श्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर की विशेष उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर विधिवत शुभारंभ किया गया। 47वें खजुराहो नृत्य महोत्सव के अंतर्गत आज राष्ट्रीय कालिदास सम्मान के तहत देश की प्रसिद्ध नृत्यांगना उमा शर्मा एवं जतिन गोस्वामी को शाल श्रीफल प्रशस्ति पत्र एवं 2,00,000 के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संस्कृति मंत्री श्रीमती विजया लक्ष्मी साधो ने खजुराहो के इस नृत्य महोत्सव के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि यह देश का बड़ा मंच है जिससे बड़े से बड़ा कलाकार खजुराहो नृत्य महोत्सव में सम्मिलित होने की लालसा रखता है एवं वह इस मंच से अपनी प्रस्तुति देकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है। साथ ही आपने कहा कि खजुराहो नृत्य महोत्सव का यह प्रांगण मध्य प्रदेश थिएटर तौर पर विकसित करने की योजना है जो संभवतः अगले वर्ष के आयोजन तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके पूर्व आए हुए अतिथियों का मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के द्वारा अतिथियों को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया तथा दीप प्रज्वलन अतिथियों के द्वारा किया गया। आज के इस महत्वपूर्ण आयोजन में संस्कृति मंत्री विजय लक्ष्मी साधो, प्रभारी मंत्री श्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर, क्षेत्रीय विधायक कुमार विक्रम सिंह, महाराजपुर के विधायक श्री नीरज दीक्षित, नगर परिषद खजुराहो के पूर्व अध्यक्ष श्रीमती कविता सिंह, जिला कलेक्टर श्री मोहित बुंदस, अनुविभागीय अधिकारी एवं IAS श्री स्वप्निल बनखेड़े, SP कुमार सौरभ, एडिशनल SP जयराज कुबेर, SDOP श्री मनमोहन सिंह बघेल के अलावा बड़ी संख्या में गणमान्य तथा जन तथा रसिक दर्शक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के उपनिदेशक श्री राहुल रस्तोगी द्वारा किया गया। खजुराहो नृत्य समारोह 20 फरवरी से 26 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा जिसमें प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। इस कार्यक्रम में देश के ख्याति प्राप्त कलाकार भाग लेंगे। न केवल मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड बल्कि दुनिया में ऐसा स्थान है कि लोग यहाँ अपने आप खुद ही चले आते हैं और ऐसे स्थल के ऊपर निरंतर कई वर्षों से खजुराहो उत्सव चल रहा है जहाँ देश की प्रमुख जितनी भी कलाकार हस्तियाँ वो हमारे यहाँ पर विभिन्न घरानों की यहाँ पर आती हैं। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय कमलनाथ जी इस तरीके से पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए, संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए काम कर रहे हैं। आने वाला कल खजुराहो का भी बहुत सुखमय होगा और पूरे मध्य प्रदेश का भी सुखमय होगा, ये हम उम्मीद करते हैं। कुछ बसों में खजुराहो का पर्यटन कम हुआ है, बहुत जगह प्रमोट हुआ है, तो खजुराहो के पर्यटन को प्रमोट करने के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? ये पर्यटन खजुराहो का केवल कम नहीं हुआ है, हमारे देश का कम हुआ है। हमारे देश के जो कुछ हालात ऐसे रहे या दुनिया के हालात फाइनेंशियल उसमें क्राइसिस भी हम कह सकते हैं जिसकी वजह से पूरे देश में ही जो टूरिस्ट हमारा आता था वो कम हुआ है। और ओरछा का जहाँ सवाल है, ओरछा चूँकि झांसी के नज़दीक पड़ता है इसलिए थोड़ा सा उसको ज़्यादा फायदा मिलता है, लेकिन ओरछा हो, खजुराहो हो, पचमढ़ी हो, बांदू हो, जितने भी मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं, सरकार की मंशा है कि इन पर्यटक स्थलों के आसपास की जो जगह हैं इन सबका सर्किट एक डेवलप करना चाहते हैं। हमारे आवागमन के साधन अच्छे हों, बेसिक सुविधाएँ वहाँ पर अच्छी हों, तो पूरे मध्य प्रदेश को लेकर जो है सरकार की सोच है उस पर हमारा खजुराहो भी है। खजुराहो तो वैसे भी मध्य प्रदेश की शान है, तो यहाँ तो कोई कितना भी करे तो भी खजुराहो तो बेहतरीन है।